हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज शुभ दीपावली, तो मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ मैं जा रही थी एक बार बाहर, और वहाँ से आई तब तक शाम का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर चढ़ा दी थी मैंने चाय। और यहाँ पर कुछ सामान मेरा जो पैकेट में मैं लेके आई थी वो रखा ही था, अभी तो मैंने डिब्बे वगैरह में नहीं डाला था वो, तो यह मैं डाल रही थी उन्हीं को डिब्बे में। कुछ लेके आई थी मैं सूखी लाल मिर्चें, कल लेके आई थी वो, तो उनको मैं डिब्बे में डाल के रख दूँगी। कुछ कहीं चावल था, थोड़ी सी चने की दाल थी, क्योंकि दिवाली के दिन हमारे यहाँ पे यही बनते हैं दोनों चीज़ें, तो इनको मैं अब कुछ भिगो के रख दूँगी, क्योंकि शाम का समय हो चुका है। और जो यूज करनी है वो इन डोंगे में या किसी बाउल वगैरह में डाल के भिगो के रख दूँगी, और बाकी को मैं रख दूँगी डिब्बे में डाल के। तब तक मेरी चाय यहाँ पे बन रही थी, तो मैं अपने इन कामों में लग गई थी। और मैं क्या, हर कोई हर औरत ऐसे ही करती है कि चाय बन रही है तब तक ये भी हो जाए ये भी हो जाए, तो बस ऐसे ही लग रही थी उन्हीं कामों में। और गैस को किया हुआ था मैंने सिम पे, और उसका कारण भी यही था कि तब तक मेरा और काम निपट जाएगा। और यहाँ पे पिंटू बार बार अपना काम कर रही थी वो, भी कभी कुछ, कहीं पानी मंगा रही थी, कहीं कुछ कर रही थी। और फिर मैं यहाँ पे चाय पीने के बाद यहाँ पे बैठ गई थी मैं अपनी जो बाती मेरे को शाम को चाहिए वो बनाने के लिए। और वही होता है, बाज़ार जाती हूँ तो कोई कुछ चीज़ कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, याद ही नहीं रहता। और लिस्ट वगैरह मैं बना के नहीं लेके जाती, क्योंकि तीसरे चौथे दिन मैं जा ही रहती हूँ मार्केट में, कभी कोई काम कभी कोई काम, और वैसे भी बाज़ार मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। तो आज है दीपावली, तो आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इधर आपको दिखाई दे रही होगी गैस के ऊपर रख रखा है कुछ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के समय में, और शाम के बज चुके 6। अभी अभी चाय बनाई थी बस, इससे पहले चाय नहीं पी थी अपने, क्योंकि आज दिवाली थी तो यहाँ वहाँ जाना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसे ही चल रहा था। तो बस अब शाम हो चुकी है, तो अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे चावल, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिवाली के दिन दाल और चावल बनते हैं। और यहाँ पे रखी हुई थी मैंने चने की दाल, भिगो के इसको मैंने चाय बनाई तभी भिगो दिया था, और उधर भिगो दिए थे थोड़े से मैंने चावल। तो अब वही है कि जितना मैं भिगो देती उतना जल्दी बन जाता है ये सब। तो मैं कर लेती हूँ अपना काम, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था मैंने चावल रखने के लिए, और दूसरी साइड कर रही थी मैं दाल रखने की तैयारी, तो कुकर में मैंने दाल डाल दी थी जो भिगो के रखी हुई थी वो, और अब उसके अंदर डाल दूंगी मैं कुछ अपने सूखे मसाले, हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर बस यही, और फिर बाद में दे दूंगी तड़का। तो मिसू दाल बनाती है तो वो साथ साथ में ही तड़का लगा देती है, लेकिन मैं बाद में लगाती हूँ। तो आज जैसे काम कुछ ज़्यादा ही था तो वे भी लगी हुई थी, लड़कियाँ भी यही कामों में, तो बस मैं बाद में ही छौंक मैं ही लगाऊंगी आज। और यहाँ पे मैं पानी मेरा तब तक उबल चुका था अच्छे से, तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी अब अपने चावल, और तब तक दोनों चीज़ें ये पकती रहेंगी। तो मैं करती हूँ देखती हूँ अपना और काम। दिए वगैरह भिगोने थे तो यहाँ पे दिए मैंने भिगो के रख दिए थे चावल रखने के बाद, और अब पिंटू को बोल दिया था कि इनको निकाल के रख दे तब तक ये सूख जाएंगे जब इनको यूज़ करेंगे तब तक। और बस अंधेरा होने ही वाला था, लाइट जल चुकी है, तो यहाँ पे पिंटू निकालने लग गई थी दिए वगैरह, और निशु भी अपना कुछ थोड़ा बहुत काम जो करना था, कुछ बत्ती मैंने बना दी थी और कुछ यहाँ पे निशु को दे दी थी मैंने रुई, तो वो बनाने लग गई थी यहाँ पे। और फिर जैसा कि मैंने बताया था आज कपड़े धोए थे मैंने, नहीं बताया था शायद, लेकिन सुबह सुबह मैंने मशीन लगा ली थी, जिस दिन कपड़े धोते हैं उस दिन आधा दिन ऐसा ही चला जाता है। तो जो प्रेस करने थे वो मैंने साइड में रख दिए थे, और जो जिनकी तय बना के रखनी थी वो अब मैं उनकी तय बना के रख दूँगी। चाल और चावल और दाल मेरी बन चुकी है, गैस को कर दिया था बंद, दूध वगैरह का कर दिया था गर्म करना था वो हो चुका था, अब बस खाना खाना बाकी था, और दिए लगाने थे अभी, और फिर पूजा करनी थी। तो यहाँ करते हैं, हमारे यहाँ शुरू से ही करते हैं वैसे तो, तब से मैं देख रही थी कि बच्चे वगैरह सारा खाना खा लेते हैं तब बाद में ही पूजा करते हैं, तो अभी पूजा का भी टाइम नहीं हुआ है। और ये जो दिए पानी से निकाले थे तो वही है, बच्चों का काम तो बच्चों की तरह ही होता है। मैंने इसको अच्छे से बोला था कि ये पानी से निकाल के इनको उल्टे मोदे करके रख दे कि ये सूख जाएंगे तब तक, लेकिन सारे ऐसे पड़े हुए थे, तो अब उनको किसी साफ़ कपड़े से इनको पोंछ के रगड़ के
और सुखाऊंगी, फिर इनके अंदर मैं डाल दूंगी अपना जो बत्ती तेल वगैरह डालना है। तब तक अभी दिए लगाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन बच्चों को थोड़ा जल्दी होता ही है कि मम्मी सब ने लगा दिए हैं बाहर, तो हम थोड़े सा रुक के लगाएंगे कि अब हमारे देर तक जलते रहें। यही चलता है बच्चों का भी और हमारे भी मन में यही रहती है कि देर तक चलें थोड़े से। तो बस उसी काम में मैं यहाँ पे लगी हुई थी, सारे दिए साफ़ करके सुखा के और तैयारी करके रख दूँगी मैं इनकी यहाँ पे। तो दिए वगैरह मेरे सूख चुके थे, पोंछ पोंछ के रख दिए थे वैसे तो, और डालते क्यों अन्ना ये जो दिए होते हैं उनके पानी में, इस बात का मेरे को पता नहीं। तो ये बस ऐसे ही सुखा के रख दिए थे, अब मैं इनके अंदर डाल दूँगी जो अपनी बाती मैंने बना के रखी हुई थी वो, और साथ साथ में मैं तेल डाल के रख दूँगी। फिर इनको रख दूँगी मैं साइड में, अभी है आधा पौना घंटा दिए जलाने का टाइम है अभी। तो तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, यहाँ पे काम चल रहा था जो सैनक वगैरह लगाने जाते हैं उसका, तो कुलदीप यहाँ पे कर रहा था बस यही अपना काम पूरा। और ये तो शायद हर जगह हर किसी के ही होता होगा, हर गांव शहर में होता ही होगा ये काम तो। और फिर हम लग गए थे यहाँ पे अपने दिए जलाने, तो यहाँ पे मैं अकेली लगी हुई थी, बच्चे थे छत के ऊपर। तो होता है थोड़ा शौक, पटाखे वगैरह देखेंगे या अनार छुटा रहा कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चे इतने दिलदार या इतने शेर नहीं है कि वो पटाखे वगैरह जला सके। हाँ, दूसरों को देख के मन बहला लेते हैं क्योंकि इनको डर बहुत लगता है पटाखों से, बहुत ही ज़्यादा। तो बस ऐसे ही देख रहे थे और यहाँ पे आ गए थे बच्चे नीचे, फिर वो मेरे साथ मेरे कप में आस बटाने लग गए थे, तो दिए यहाँ पे सारे जला लिए थे। तो हम तीनों ही माँ बेटे के एक एक लेके यहाँ पे अपने अपने अलग अलग जगह पे लगा लेंगे, कोई ऊपर लगा देगा कोई नीचे लगा देगा। तो यहाँ लगा रही थी पिंटू, इसको थोड़ा सा ज़्यादा इशू का इन चीज़ों का, तो बोली मैं अकेली ही लगा दूँगी, लेकिन वही है कि भाई बच्चे अकेले करेंगे तो अभी तो हम भी कोई काम नहीं है, फ्री हैं। तो बस इसके साथ ही माँ आ गई थी ऊपर, और ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, हर किसी ने दिए जला लिए थे। और अब की बार खास बात यह है कि यहाँ आसपास से जितने भी घर जहाँ भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, हर किसी ने मिट्टी के दिए यूज किया। अब की बार मोमबत्ती बहुत ही कम दिखाई दे रही है, किसी किसी की छत पे ही होंगी शायद, लेकिन हमारे यहाँ तो आसपास किसी के भी यहाँ नहीं है मोमबत्ती, सब ने मिट्टी के दिए जलाए थे। और ये सामने मंदिर का देखिए थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा। ये साइड भी देखिए, और यहाँ एक ट्रे मैं लेके आई थी दिए के, तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी, लेकिन पिंटू वही बात थी कि वही बोल रही थी कि मैं लगा दूँगी, आप रखे नीचे चले जाओ और रखे हो तो वो लेके आ जाओ, क्योंकि मैंने कहा था कि पूजा का टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी से लगा के फिर पूजा करते हैं। अड़ोस पड़ोस में सभी लगाने लग ही रहे हैं वैसे तो। तो इस छत पे दिए लगा दिए गए, और जो पीछे वाली छत हमारी उस पे वहाँ पे लगाने लग रही थी नीशू। और नीशू भी अपना काम छत का पूरा करने के बाद यहाँ आ गए थे हमारे पास।
दिया वगैरह लगाने के बाद फिर हम आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे या तो जो सतिया जिस चीज़ से लगाते हैं टीका लगाते हैं, जो गैरू होता है उससे टीका लगाते हैं हमारे यहाँ पूजा करते हैं, तो या तो उस चीज़ से लिखते हैं शुभ लाभ शुभ दीपावली। और आज ही लेके आए थे, कल लेके आए थे हम ये मार्केट से शुभ लाभ, आते हैं छोटे छोटे पैकेट में आते हैं, इनके पीछे थोड़ी सी चिपकने के भी लिए चिपकाने के लिए भी है, जैसे कि वो टेप होती है उसी तरह से है। तो बस अब की बार ही लेके आए थे, वरना यहाँ पे हम गैरू से ही लिखते थे शुभ लाभ, तो यहाँ पे नीशु वो चिपका रही थी शुभ लाभ, और माँ लक्ष्मी के पैर और जो साथिया होता है वो, तो ये चारों चीज़ें एक पैकेट में ही आई थी, ये माँ लक्ष्मी के पैर और यहाँ पे जहाँ पे हमने पूजा करनी थी वहाँ पे चिपका रही थी ओम, और दो छोटी छोटी तस्वीर दिखाई दे रही वो लेके आए थे हम लक्ष्मी और गणेश की, और यहाँ पे फिर तैयारी कर ली थी हमने पूजा करने की। पूजा जो घर में सबसे बड़ा होता है वही करता है, तो हमारे घर में पूजा माँ करती है, हम यहाँ पे बैठ गए थे तो यहाँ पे माँ कर रही थी सबकी, वो टीका वगैरह निकाल रही थी और बच्चे रख रहे, यहाँ पे होता ही है कि बच्चे रख रहे थे अपने अपने पर्स ला ला के, मम्मी दादी ये मेरा इस पर भी तिलक करो, दादी ये मेरी चीज़ है इस पर भी करो, ये मेरी अंगूठी है इस पर भी करो, और बस उसी काम पे लगे हुए थे। और ये लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ये बहुत साल पहले की हमारी, बहुत साल पहले की रखी थी, लेकिन अब 2-3 साल पहले हमने इनको चेंज करवा लिया था, फिर पता नहीं रखे रखे काली कैसी हो गई थी, तो अब 2-3 साल तो इनको भी हो ही चुके हैं। ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल साफ चमक रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा चल रही थी, किसी ने खाना खा लिया था, कोई बचता था, मैं और माँ और कुलदीप बचते हैं, बाकी बच्चों ने छोटे बच्चों ने तीनों ने खाना खा लिया था, और हम खाएंगे पूजा अर्चना करने के बाद। तो बहुत अच्छे से बीती हमारी दिवाली, काश इसी तरह हर दिवाली हम ऐसे ही मनाते रहें, और भगवान ढेर सारी खुशियां दे आपको, एक बार फिर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।